आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू ओके तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू हमें फाइंड करना है किसके प्रोपोर्शनल होगा ओके okay, तो यहां पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी जनरल पॉइंट पे ओके okay, तो वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट ओके यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा अभी कि ही रखा है या फिर ही रखा है ओके तो किसी जनरल पॉइंट पे रखा है ओके तो यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे क्या वो होता है मेरा यहाँ पे देखो उसका फॉर्मूला होता है ई थीटा इज इक्वल टू में वो होता है वन बाई फोर पाई एफ साइलन नोट पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन ओके तो यहाँ पे एट ए डिस्टेंस आर पे मतलब कि किसी जनरल पॉइंट पे रखा है अभी यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि वो इक्वेटोरियल ही रखा है ओके okay. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ई आर कोमा थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू अंडर रूट में थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन ओके अब देखो क्या होता है क्योंकि आर के साथ हमें रिलेशन बताना था तो अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सेल लाइन ओके एट पॉइंट ओके तो पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज इक्वल टू वो होता है मेरा वन बाई फोर पाई एफ नोट टू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब ओके एक्सल पे तो एक्सेल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि क्या है जैसे कि ये मेरा कोई डायपोल है ओके ये, ये डायपोल है ओके तो एक्सेल पॉइंट क्या हुआ ऐसी किसी पॉइंट पे इसके सेंटर से अगर मैं देखना चाहूँ डायपोल के ओके ये इस पे एक्सेल पॉइंट यही तो हुआ ओके यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज हो गया और यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज हो गया डायपोल हो गया ओके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ओके okay, तो एक्सेल के लिए क्या करते हैं? देखो, थीटा कितना बना यहां पे? थीटा की हो गई यहां पे okay, तो कोस जीरो okay, तो की वैल्यू वन तो वन का स्क्वायर क्या हो गया वन तो थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर कितना आ गया टू पी तो यहाँ पे देखो एक्सेल पॉइंट पे क्या होता है 1 अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं इक्विटोरियल पॉइंट की ओके okay, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट एट इक्विटोरियल इक्विटोरियल पॉइंट ओके तो इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ जैसे ये डायपोल है कैसे निकालते थे देखो इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब ये डायपोल हो गया ओके okay. तो इसके सेंटर से ऐसे करके इक्विटोरियल पॉइंट यही पे तो होगा ओके okay. तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ओके और यहाँ पे ये मेरा माइनस का क्यू चार्ज ओके तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे बताना था बताते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ओके okay, तो ये इक्विटोरियल पॉइंट हो गया तो यहाँ पे देखो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री ओके okay, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री रखता हूं तो कोस 90 का वैल्यू क्या होता है जीरो ओके तो तो ये टर्म जीरो हो गई तो क्या बचा नोट पी बाई आर क्यूब ओके तो एट इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है इज इक्ल टू यहां पे लिख देते हैं इक्विटोरियल पॉइंट ओके इक्विटोरियल पॉइंट, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, इक्विटोरियल पॉइंट पे तो वन बाई फोर क्या आ जाएगा पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब के इक्वल ओके okay, तो यहां पे देखो दोनों केसेस यहां पे मैंने तीनों केसेस बता दिए हैं कि जनरल केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल उसका होता नोट पी डिड बाई अंडर रूट में थ्री ओके okay, तो ये जनरल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एक्सल पॉइंट पे क्या होती है इलेक्ट्रिक फेड वो आ जाती है इक्वल और इक्विटोरियल पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ईज इक्वल टू आता है

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर